है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने सोसाइटीज की डिफरेंट टाइप्स बताई हैं, कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने उसको डिवाइड किया है, बताया है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी की बेसिस पे सोसाइटी की टाइप्स बताई हैं, जो हम अभी करेंगे जेरेड लेंस की है, ठीक है। जेरेड लेंस की, उन्होंने ये सोसाइटी की टाइप्स से बताई है, हम उनकी वो कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने भी बताया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताया है, डिवीजन ऑफ लेबर की बेसिस पे भी सोसाइटी की टाइप्स बताई गई है। बट जो हम सोसाइटी की टाइप्स कर रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय डिफरेंट सोसाइटीज, ठीक है। कि टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा तरक्की सोसाइटीज कैसे कैसे करती गई हैं, ये कौन सी सोसाइटीज ने कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, उसकी बेसिस पे ये डिवीजन की गई है टाइप्स ऑफ सोसाइटी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में अगर देखें, कौन कौन सी है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज एक टाइप ये है, सेकेंड इज हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटीज, ठीक है। फिर हमारे पास है एग्रेरियन सोसाइटीज, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, ये राइट पे लेफ्ट पे आ रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। और फिर हमारे पास जो प्रेजेंट एरा है, जो आजकल की सोसाइटीज उनको बोला जाता है, दैट आर नोन एज द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मुझे बताएं अपने थ्रू योर वॉइस क्या आप क्या चीज है। अच्छा, अब उन्होंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है इस हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज की, कह रहे हैं कि ये जो सोसाइटीज दुनिया में जो इवॉल्व हुई हैं, वो आई हैं, या जो सोसाइटीज दुनिया में इमर्ज हुई हैं, या ह्यूमन बींग्स ने जब रहना शुरू किया था। मैं ले रही हूँ अभी, हाँ मैं दो ले ली है, ठीक है। जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, सबसे पहले जो सोसाइटीज इमर्ज हुई, इंसान ने जब इस दुनिया में रहना शुरू किया, उनकी जब ग्रुपिंग स्टार्ट हुई, तो जो फर्स्ट में जो सोसाइटी बनी थी उनको कहते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, रहते थे उनसे रिलेटेड है ये। ठीक है। हंट करते थे, शिकार, हंट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। तो पहले के जमाने में ये नहीं, शिकार आप ये नहीं कह सकते कि जब इंसान पैदा हुआ था या इस दुनिया में आया, तो डायरेक्टली उसने क्या करना शुरू किया, जो फर्स्ट ह्यूमन बींग है उन्होंने डायरेक्टली, आप कह सकते हो कि मशीनरीज या फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किया। नो, दिस इज नॉट द केस। बल्कि उन्होंने पहले, सबसे पहले जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो हंट करते थे, वो शिकार करते थे, ठीक है, हंट करते थे। और जड़ी बूटी या जो प्लांट्स होते थे वो गैदर करते थे, उनको देखते थे, उनको ढूंढते थे, और वो उसकी बेसिस पे, उसके ऊपर वो सर्वाइव करते थे, ठीक है। तो पहले के जमाने में इंसान क्या करते थे, शिकार की बेसिस पे, जो शिकार किया उस शिकार को इस्तेमाल करते थे अपनी बेसिक नीड ऑफ फूड को पूरा करने के लिए। और ये सोसाइटीज अगर हम टाइम पीरियड अगर बताएं कि ये सोसाइटीज दुनिया में कब आई, कब इमर्ज हुई है, या सोसाइटीज कब बनी, 12,000 साल पहले, ठीक है। हिस्टोरिकल पीरियड क्या बता रहा है कि ये सोसाइटीज कब इमर्ज हुई है, 12,000 साल पहले ये सोसाइटीज इमर्ज हुई थी, ठीक है। लेकिन कुछ सोसाइटीज स्टिल मोर कॉमन नॉन सेवरल सेंचुरीज अगो, ठीक है, कॉमन कि ये बहुत सारी सेंचुरीज अगो में पहले मौजूद थी, और आजकल कह रहे हैं कि आजकल के दौर में बहुत थोड़ी सी ऐसी सोसाइटीज हैं जो अभी भी हंटिंग के मॉड के थ्रू अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। हंट करके वो अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग के जरिए से वो उनका सर्वाइवल पॉसिबल है। और उसके अंदर एग्जाम्पल किसकी दे रही है, ये पिग्मीज ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, बुशमैन ऑफ साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, एबोरिजिन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सिमाया ऑफ मलेशिया, कास्का इंडियंस ऑफ कैनेडा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये शो कर रही है कि ये जो सोसाइटीज हैं, ये आज भी थोड़ी सी इस दुनिया में मौजूद है, इनकी एग्जिस्टेंस अभी भी मौजूद है, लेकिन द थिंग इज दैट दे आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। कि उनको किस चीज का खौफ है, इनको इस चीज का खौफ है कि ये जो सोसाइटीज हैं, कि ये जो सोसाइटीज हैं, ये सोसाइटीज क्या हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये सोसाइटीज इस तरह से मौजूद नहीं रहेंगी, बल्कि उसके अंदर ये खौफ मौजूद है, या ये डेंजर मौजूद है कि कुछ अरसे के बाद ये सोसाइटीज इस दुनिया से ही उनकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी, उनका कोई वजूद नहीं रहेगा, ठीक है, उनका मौजूदगी खत्म हो जाएगी। और टेक्नोलॉजी को क्या इस्तेमाल करते थे, प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या था, प्रिमिटिव वेपन्स, पुराने जमाने की ये जो हथियार आप कह सकते हो, उस टाइम में क्योंकि ये हंट करते थे ना, शिकार करना होता था, तो शिकार के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे इसको, स्पियर जिसे हम कहते हैं, जिसका था, या ये थोड़े से हल्के फुल्के से ऐसी लकड़ियां या ऐसी चीजें इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोटेक्शन हो, या वो जानवरों का शिकार कर सके, ठीक।
दूसरी चीज ये कि चूंकि अब आप ये देखो, और उन इन सोसाइटीज में ताकतवर वो होता था जो कि हंटिंग बहुत अच्छे तरीके से करता था, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो जानवर का शिकार करके ला रहा है वही आप उस ग्रुप में कामयाब है ना। आपने अब आपको मुझे याद है, पता नहीं मुझे, लेकिन जब हम लोग छोटे होते थे तो हम ऐसी कहानियां पढ़ते थे। इवन अगर आप कहानियां कुछ ये देखो जो बुकलेट्स की फॉर्म में मिलती होती थी, उसमें उम्र यार की कहानी है या वो है, तो उसमें वो लोग दिखाते थे जो उस इलाके में, एग्जाम्पल के तौर पे, कि उस गांव में वो बंदा मशहूर होता था जो कि ताकतवर था और जानवर का शिकार करके लाता था, ठीक है। जब आप स्टोरी सुनते हैं पुराने जमाने की तो ऐसे बताते हैं। तो सिमिलरली ये था कि जो द इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपर्ट, ठीक है, जिनको नॉलेज होगी, जिनके पास इंफॉर्मेशन होगी कि हाँ भाई कौन सा इलाका बेहतर है जहाँ पे हमें हंटिंग वाले एनिमल्स मिल सकते हैं, उन एनिमल्स को हंट कैसे करना है, उनको शिकार कैसे करना है, उनको शिकार करने के बाद किस तरह से लेके आना है, ये सारी चीजें जिस बंदे को पता होती थी वो ज्यादा रेस्पेक्टेड समझा जाता था, वो ताकतवर समझा जाता था, ठीक है। अब चूंकि ये सोसाइटीज बहुत सबसे पहले ये इमर्ज हुई है इस दुनिया में, तो इसलिए इनका साइज क्या होता था, 25 से 40 लोग, ठीक है, 25 से 40 लोग एक हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के अंदर मौजूद होते थे। इस 25 से 40 से ज्यादा लोग इनमें, इस सोसाइटीज में ज्यादा नहीं होते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी अगर अफ्रीका में थी हंटिंग गैदरिंग, तो उसमें 25 से 40 लोग थे। एक सोसाइटी अगर अफ्रीका में थी, सॉरी एशिया में थी हंटिंग एंड गैदरिंग, तो उसके भी 25 से 40 लोग थे। तो 25 से 40 से ज्यादा उनकी आबादी एक सोसाइटी की नहीं होती थी, ठीक है। सेटलमेंट पैटर्न, रहने सहने का उनका तरीका क्या था, रिहाइश किस तरह से करते थे, तो दैट इज नोन एज द नोमैडिक। नोमैडिक होते हैं खानाबदोश। खानाबदोश क्या होते हैं, जो कि अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे हिजरत करके जाते हैं, अपने सारा साजो सामान अपने साथ लेके जाते हैं, किस लिए, अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हम मेन इंपॉर्टेंट थिंग अगर इस सोसाइटी की टाइप में देखते हैं तो दैट इज द फूड, ठीक है। फूड उनको कहाँ अवेलेबल है, खाना उनको कहाँ मुयस्सर है, पानी कहाँ पे उनको मिलेगा, मौसम कैसा है, तो उसकी बेसिस पे वो लोग क्या करते थे, वो मूव करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह हर वक्त हिजरत करते थे अपने सारे साजो सामान के साथ। अपनी साजो सामान तो अवल उनके पास होता नहीं था, क्योंकि वो बहुत पुराने जमाने के लोग थे, वो सिर्फ हंटिंग करते थे, हंटिंग वाले जो औजार होंगे उनके पास सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करते थे। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, क्योंकि ये सिर्फ 25 से 40 लोगों के दरमियान की एक सोसाइटी थी, तो इस वजह से ये क्या थी, सोसाइटी दैट वाज द फैमिली सेंटर्ड, ठीक है, फैमिली सेंटर्ड थी। खानदान मतलब ज्यादा जो इम्पोर्टेंस थी दैट वाज गिवन टू द फैमिली, ठीक है। और जो स्पेशलाइजेशन थी, जो हम कहते हैं महारत, महारत जो थी वो लिमिटेड थी टू द एज एंड द सेक्स, जैसे हम कहेंगे जेंडर, जैसे है कि स्पेशलाइजेशन लिमिटेड थी, जिसकी ज्यादा उम्र है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो 40 साल का है, वो 50 साल का है, तो उस 50 साल की वजह से वो, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है और वो हंटिंग इतने सालों से करता आ रहा है, इस वजह से वो ज्यादा माहिर है, ठीक है। या जेंडर की बेसिस पे, मेल या फीमेल की बेसिस पे, कि जो मेल थे चूंकि वो हंट ज्यादा करते थे, उन वो पावरफुल समझे जाते थे, इस वजह से उनको ज्यादा एक्सपर्ट माना जाता था। इसलिए दैट वाज देयर वाज, और एक और ये थी कि उस सोसाइटी में देयर वाज लिटिल सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, इतनी ज्यादा वहां पे नाइंसाफी का निजाम नहीं था, इनइक्वालिटी बराबरी, ठीक है, आप क्या कह सकते हो कि इतनी ज्यादा वो तमाम लोग मेजोरिटी में आपस में बराबर थे। बराबर कैसे थे, क्योंकि जिसके पास ये कह सकते हो कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पॉपुलेशन बढ़ती गई, 25 से 40 से लोग ज्यादा होते गए, उनकी आबादी बढ़ती गई, तो उनकी सोसाइटी की टाइप भी तब्दील होती गई, ठीक है। उन्होंने फिर परमानेंटली मुस्तकिल तौर पे एक जगह पे रहना भी शुरू किया, रहना शुरू किया, उन्होंने जमीनें आबाद की। जब जमीनें उनको हाथ में मिलना शुरू हुई तो उसकी वजह से क्या हुई, इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई, ठीक है। लेकिन इन सोसाइटीज में, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज में, जो इनइक्वालिटी थी वो इतनी ज्यादा इस तरह से मौजूद नहीं थी, क्योंकि वहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो फैमिली थी, ठीक है। फैमिली के साथ साथ उनके दरमियान जो जरूरियात पूरी करने का जो तरीका था वो क्या था, कि उन्होंने जो हंट करके लाएगा वही उसको फर्ज पर रिस्पेक्ट समझी जाएगी, या हर एक ने अपनी नीड को खुद पूरा करना है, हर एक ने अपने खाने के बंदोबस्त खुद करना है, हर एक ने अपनी जरूरियात का खुद ख्याल रखना है। तो इस वजह से क्या वहां पे क्या थी, इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं थी। एग्जाम्पल आपको बता दी मैंने, या आप ये कह सकते हो कि उनके दरमियान जो ग्रुप्स बने हुए थे वो ग्रुप्स किस पे थे,
किनशिप, किनशिप जिसे हम कहते हैं ना कि रिश्तेदारी, ठीक है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, फैमिली सेंटर्ड, ठीक है, फैमिली सेंटर्ड है, खानदानी इम्पोर्टेंस ज्यादा थी, तो इस वजह से जिनके दरमियान जो ग्रुपिंग बनी हुई थी, जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो क्या थी कि वो किनशिप टाइज थे, रिश्तेदारी इनके दरमियान में ज्यादा थी। ज्यादातर वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, या कोई पौधे नजर आ गए इनको जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले से उगे हुए हैं, जमीन पे मौजूद हैं, उन पौधों का इस्तेमाल करते थे अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। अब जिन जगह पे नोमैडिक किस लिए कहलाए जाते हैं या खानाबदोश किस वजह से, कि जिस जगह पे वो रहते होते थे उस जगह पे अब उनके रिसोर्सेस खत्म हो गए, मतलब वहां पे शिकार वाले जानवर भी खत्म हो गए, वहां पे जो पौधे वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो जो ग्रीनरी वो जो यूज करते थे अपने फॉर एग्जाम्पल फूड के लिए या फ्रूट्स यूज करते थे, उस इलाके से खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्या करते थे, वो मूव करते थे दूसरे एरिया में जहां पे उनको जानवर मिलेंगे शिकार के लिए, जहां पे उनको खाने के लिए ये प्लांट्स मिलेंगे, सही। अच्छा, इस वजह से इनको हम कहते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज। अब ये पहली टाइप ऑफ सोसाइटी क्लियर होगी आप सबको? जी स्टूडेंट्स। यस मैम होगी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटी। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वैसे वैसे उनके दरमियान में उनकी आबादी भी बढ़ती जा रही थी, जब आबादी बढ़ती गई तो उन्होंने अपनी जरूरियात को पूरा करने के नए तरीके ढूंढना शुरू किए, ठीक है, कि हम अपनी जरूरियात को कैसे पूरा करें, किस तरह से पूरा करें, हम अब रहें कैसे, किस जगह पे रहना शुरू करें, हमारे दरमियान में अब जो इनके पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो फैमिली सिस्टम किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से उन सब चीजों को डील करें। तो ये जो सोसाइटीज इमर्ज हुई थी, ये सोसाइटीज इमर्ज हुई थी 12,000 साल पहले से लेके आगे, ठीक है, 12,000 साल पहले वो थी, ठीक है। अब ये वाली जो सोसाइटीज थी ये भी आहिस्ता आहिस्ता किस में होगी, फ्रॉम अबाउट 12,000 साल पहले भी थी, 12,000 के बाद फिर ये वाली सोसाइटी स्टार्ट हो गई, विद डिक्रीजिंग नंबर्स आफ्टर अबाउट 3000 बिफोर कॉमन एरा। कि फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये सोसाइटीज भी खत्म होना शुरू होगी, बस कुछ सोसाइटीज ऐसी थी जो इस दुनिया में मौजूद रह गई हैं, जिसमें इन्होंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे ये दी हुई है कि मिडल ईस्टर्न सोसाइटीज थी, आजकल की सोसाइटीज कुछ है न्यू गुने में, ठीक है, अदर पैसिफिक आइलैंड्स में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटीज की उनके अंदर वो खसूसियात मौजूद है, ठीक है, जो कि 12,000 साल पहले की जो सोसाइटीज मौजूद थी इस दुनिया में उनकी जो खसूसियात थी वो इन पैसिफिक आइलैंड्स की कुछ सोसाइटीज में अभी भी मौजूद है। अब इनकी टेक्नोलॉजी क्या थी, ये लोग क्या करते थे, पेस्टोरल सोसाइटीज क्या कहती हैं, पेस्टोरल सोसाइटीज वो थी कि जिन्होंने जानवरों को मवेशी पालना शुरू किए, पेस्टोरल सोसाइटीज मवेशियों को उन्होंने पालना शुरू किया, हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज वो थी जिन्होंने उन्होंने थोड़ी सी हल्की सी पौधों को उगाना शुरू किया, हल्की सी काश्तकारी शुरू की, ठीक है, खेती बाड़ी जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने काश्तकारी शुरू की। पहली की जो सोसाइटीज थी हंटिंग एंड गैदरिंग, जो उनकी सराउंडिंग्स में मौजूद था, जो कि जानवर जंगली जानवर मौजूद थे, वो जो पहले से मौजूद प्लांट्स या पौधे मौजूद थे वो उसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन चूंकि उनकी आबादी बढ़ना शुरू हुई और वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो जी जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते थे या मूव करते थे, उस मूवमेंट को भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब उनके पास जानवर भी आ गए थे, जानवर पालना शुरू किया उन्होंने, ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि हमने उन्होंने गाय पालना शुरू की, उन्होंने बकरी पालना शुरू की, उन्होंने भेड़ पालना शुरू की, ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुआ। और उसके साथ साथ फिर क्या हुआ, पेस्टोरल सोसाइटीज में पेस्टोरल कौन सी है जिसके अंदर डोमेस्टिकेशन एनिमल्स हुआ, हॉर्टिकल्चर कौन सी है जिसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी स्मॉल स्केल लेवल पे हल्की छोटे से स्केल पे खेती बाड़ी शुरू की, काश्तकारी शुरू की, ठीक है, और उस काश्तकारी के लिए वो क्या करते थे, हाथ के बनाए हुए औजार इस्तेमाल करते थे, जैसे हम कहते हैं कि आजकल की वो लकड़ी के खुदाई करने के लिए लकड़ी का कोई को औजार बना लेते थे, उसको एक टूल बना लेते थे, ठीक है, एक औजार बनाते थे, तो हैंडमेड टूल्स दे यूज्ड। हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज के अंदर टेक्नोलॉजी क्या थी, दे यूज हैंडमेड टूल्स फॉर कल्टिवेटिंग प्लांट्स, ठीक है,
और एनिमल्स को कैसे वो डोमेस्टिकेशन करते थे, उनको पालते थे। अब चूंकि यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी है, कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी है, कल्टीवेशन का क्या मतलब है कि किसी जमीन पे खेती बाड़ी होगी ना, किसी जमीन पे वो काश्तकारी करेंगे। तो किसी जमीन पे काश्तकारी करने का मतलब है कि जो फैमिली उस जमीन पे काश्तकारी करेगी, इसका मतलब है वो जमीन उस सोसाइटी उस फैमिली के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। उस जमीन के ऊपर कोई और फैमिली नहीं आ सकेगी। तो जब जमीन की बात आ गई, जब जानवरों की बात आ गई, जानवरों को पालना, अब एक फैमिली पहले अगर सोसाइटी अगर पहले जंगली जानवरों का शिकार करके उनको उसी वक्त खा लेती थी, इस्तेमाल करती थी, अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, अब उन्होंने मवेशियों को पालना शुरू किया। और इस वजह से जिस फैमिली के पास, जिस सोसाइटी में, जिस बंदे के पास ज्यादा जानवर होते थे, ही वॉज कंसिडर्ड एज द पावरफुल मैन, ठीक है। अब आप खुद देखते होगे अपनी सोसाइटी, अपने अगर रूरल एरिया में देखते होगे तो जिस बंदे के पास मवेशी के बाड़े हैं, जिसके पास मवेशी बहुत ज्यादा है, उसको उसको रेस्पेक्ट दी जाती है, वो ताकतवर होता है। तो अब आप ये देख सकते हो कि इस सोसाइटी से, हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोसाइटी से क्या स्टार्ट हो गई, इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई। इनइक्वालिटी कैसी, कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास जमीन थी काश्तकारी के लिए, कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास मवेशी थे जिनको वो पालते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास मवेशी नहीं थे। तो दैट शोज कि अब चूंकि उन्होंने काश्तकारी करनी है, खेती बाड़ी करनी है, इसका मतलब है उनके पास कोई जमीन हो। अब जमीन पे चूंकि उन्होंने खेती बाड़ी करनी है या उन्होंने कुछ चीज प्लांट्स उगाने हैं, तो इसका मतलब है वो जमीन उनकी है, अब उस जमीन को तो नहीं छोड़ के जाएंगे। तो दैट शोज कि आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है, मुस्तकिल तौर पे वो एक जगह पे रहना शुरू हुए। लेकिन अक्सर ये होता था कि कुछ सालों के बाद वो मूव जरूर करते थे, क्योंकि जिन एरिया में वो काश्तकारी करते थे वो जमीन कुछ अरसे के बाद वो इतनी ज्यादा अच्छी काश्त नहीं देती थी, इतनी ज्यादा अच्छी पैदावार नहीं देती थी, इस वजह से वो उसको छोड़ के फिर किसी दूसरी जगह पे चले जाते थे। वो बहुत जल्दी मूव करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज के लोग, पेस्टोरल ने हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज के लोग ने फॉर एग्जाम्पल 2 साल के बाद, 1 साल के बाद या 3 साल के बाद उस तरह से मूव करते थे। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये लोग ऑर्गेनाइज्ड कैसे थे, उनके दरमियान तरतीब, लोगों की तरतीब कैसे थी, या उनकी सोसाइटीज कैसे बनी हुई थी। तो दैट वॉज द फैमिली सेंटर्ड था, ठीक है, फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। रिलीजियस सिस्टम आहिस्ता आहिस्ते डेवलप होना शुरू हुए। रिलीजियस सिस्टम का मतलब है कि उन्होंने अब इबादत करना शुरू कर दी, उन्होंने अब रिलीजियस गॉड्स बनाने शुरू कर दिए। गॉड के लिए इसका मतलब है उन्होंने सेक्रीफाइसेस भी की, उन्होंने कुर्बानी भी देते थे, वो लोग इबादत भी करते थे। जब रिलीजन का आया, इसका मतलब है सर्टन नॉर्म्स भी आए, ठीक है। रिलीजन के अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं ना, कुछ आपको तरीके, तौर तरीके बताए जाते हैं, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये ऐसे करोगे तो जन्नत में जाओगे। फॉर एग्जाम्पल दैट इज सेड इन इस्लाम कि अगर तुम ये अच्छे काम करोगे तो यू विल गो टू द हेवन, अगर गलत काम करोगे तो यू विल गो टू द हेल, ठीक है। तो हेवन एंड हेल का कॉन्सेप्ट आया, तो उसका मतलब है अच्छे और बुरे का कॉन्सेप्ट आया। जब अच्छे और बुरे का कॉन्सेप्ट आया तो उसका मतलब है कि लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना शुरू हो गया, लोगों की अब एक्टिविटी को कंट्रोल करना का प्रोसेस शुरू हो गया। अब इसके अंदर फिर क्या कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी भी ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये एग्जांपल्स आ गई हैं ये इन हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटीज की। अच्छा, जो हॉर्टिकल्चरल बात कर रही हैं इसके अंदर क्या था कि ये लोग क्या इस्तेमाल करते थे, डिगिंग स्टिक्स को इस्तेमाल करते थे, ये लकड़ियों को इस्तेमाल करते थे खुदाई के लिए, क्योंकि उन्होंने छोटे लेवल पे काश्तकारी करते थे ना, प्लांट्स उगाते थे, तो वो हाथ के बने हुए स्टिक्स के जरिए से क्या करते थे, वो खुदाई करते थे ताकि उसके अंदर बीज डालें, बीज डाल के उसके ऊपर वो ये पौधा उगाते थे। और ज्यादातर ये तो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी से ना, हॉर्टिकल्चर का मतलब है कि उन्हें खेती बाड़ी करनी है, खेती बाड़ी का मतलब है कि वो उन इलाकों में जाएंगे या उन इलाकों में वो लोग जाके रहेंगे जहाँ पे पानी मौजूद होगा, जहाँ पे बारिश होगी, ठीक है। तो वाटर एंड रेनफॉल वर द रीजन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पीपल, जहाँ पे बारिश नहीं होती थी, जहाँ पे पानी नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने खेती बाड़ी भी करनी है छोटे लेवल पे, काश्तकारी भी करनी है छोटे लेवल पे, चीजें उगानी भी है और अपने जानवरों की भी जरूरियात पूरी करनी है ना, जानवर पाल रहे हैं तो उन जानवरों के लिए घास फूस चाहिए,
उन जानवरों के लिए पानी भी चाहिए। तो इसके अंदर हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज वहां पे इमर्ज हुई जहां पे आप ये देखते हो कि पानी की सहूलियत मौजूद थी, जहां पे बारिश ज्यादा हुआ करती थी। इस वजह से क्या हुई, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, मुस्तकिल तौर पे किसी जगह पे रहना शुरू हुए। अब इन सोसाइटीज में ज्यादा स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई, ठीक है, मुस्तकिल होना शुरू हो गई, उनके दरमियान में ऑर्डर आना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं कि इन सोसाइटीज में ये जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज हैं, दैट हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज इज अ बेसिस ऑफ रेवोल्यूशन इन ह्यूमन सर्वाइवल। इंसान के जिंदा रहने में जो एक रेवोल्यूशन आता है, इंकलाब आता है, तो जो इंसान की जिंदगी में जो इंकलाब आया है उसकी सर्वाइवल के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए, वो किस सोसाइटी में आया है, वो हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में आया है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने इंसान को वजह दी, बुनियाद दी कि वो छोटे लेवल पे चीजें उगाए करे और अपनी जरूरियात को पूरा करे। उन्होंने सोचा है ना, अपना दिमाग इस्तेमाल किया, उन्होंने थिंकिंग स्टार्ट की कि हम अपनी जरूरत को कैसे पूरा करें। फिर नेक्स्ट आर द एग्रेरियन सोसाइटीज। अब एग्रेरियन सोसाइटीज ज्यादातर क्या थी, ये परमानेंट सोसाइटीज। और एग्रेरियन जिसे हम कहते हैं खेती बाड़ी, ठीक है, खेती बाड़ी वाली जो मुआशरा था वो किस वक्त इमर्ज हुआ, लोगों ने खेती बाड़ी बड़े लेवल पे कब करना शुरू की, 5000 साल पहले, ठीक है। लेकिन कुछ सोसाइटीज अभी भी मौजूद हैं जो कि एग्रीकल्चर करती हैं। अब आप खुद देखते होंगे, पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोगों की जरूरियात पूरी होती हैं, यहाँ पे हमारी लैंड जो जमीन है वो बहुत ज़रखेज़ है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो इस एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में ये जो सोसाइटीज इमर्ज हुई थी 5000 साल पहले इमर्ज हुई थी, ठीक है, बहुत बड़ी होती थी उस टाइम, ज्यादा होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आजकल ये जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं ये कम होती जा रही है, जिससे हम कहेंगे रूरल एरियाज ज्यादातर वो एग्रीकल्चर सोसाइटीज होते हैं। वो लोग टेक्नोलॉजी को क्या इस्तेमाल करते थे, जो पहले हंटिंग एंड गैदरिंग वाले होते थे वो स्पीयर को यूज करते थे, फिर हॉर्टिकल्चर पेस्टोरल वाले वो हैंडमेड टूल्स को इस्तेमाल करते थे। अब एग्रेरियन सोसाइटी में एनिमल ड्रॉन प्लो को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्लाव को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमें कहते हैं वो बड़े स्केल पे स्टार्ट हो गया है। तो इट मींस कि ये आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी एडवांस होती जा रही है, और जो लोग थे वो कितने हो गए, वो मिलियंस में हो गए, ठीक है, इस सोसाइटी के अंदर जो लोगों की आबादी है वो मिलियंस में है। आहिस्ता आहिस्ता फिर सिटीज भी मर्ज होना शुरू हो गई थी, फिर फैमिली की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई थी, कम होती जा रही, खत्म नहीं हुई, लेकिन जो एक खानदान की इंपॉर्टेंस है वो खत्म होती जा रही, क्योंकि रिलीजियस, पॉलिटिकल और दूसरे सिस्टम्स इमर्ज होना शुरू हो गए। एग्रीकल्चर का ये मतलब है कि एग्रीकल्चर करने के लिए जो एग्रीकल्चर की चीजें बन रही हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इसका मतलब है कि उसको बेचना भी है, उसको इस्तेमाल करना है, उसको उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सबने बांटना भी है, किस एरिया को कितनी चीज देनी है। तो इसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम भी इमर्ज हुआ और इकोनॉमिक सिस्टम भी इमर्ज हुए। अब स्पेशलाइजेशन यहाँ पे बढ़ती जा रही थी, महारत लोगों की काम में वो बढ़ रही थी, कोई बंदा माहिर था बीज डालने के मामले में, कोई माहिर था आप कह सकते हो कि मौसम के मुताबिक उसको फसल को देखने करने में, ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर शुरू हो गई थी ना, तो जब बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर शुरू होगी इसका मतलब है कि यहाँ पे अब जमीन की पोजेशन भी स्टार्ट होगी, जमीन की मलकियत स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, कि जमीन का मालिक कौन होगा, जमीन किसके हाथ में होगी, और कुछ लोगों के पास जमीन ज्यादा थी, कुछ लोगों के पास जमीन कम थी। तो दैट शोज कि जमीन ज्यादा कम होने की वजह से क्या शुरू हुआ, इंक्रीज्ड सोशल इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई, ठीक है, जो बराबरी का निजाम था वो खत्म हो गया, और ऐसा सिस्टम शुरू हो गया जिसके अंदर कुछ लोगों के पास पावर थी, और पावरफुल लोग कौन से थे, जिनके पास जमीनें ज्यादा थी एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। अब ये सोसाइटीज कहते हैं, एग्जांपल क्या है, इजिप्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट पायरामिड, ठीक है, जब पायरामिड्स बने थे उस टाइम पीरियड में इजिप्शियन का है। अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी के आप एग्जाम्पल देते हो तो पाकिस्तानी सोसाइटीज में अभी भी जो हमारे रूरल एरियाज हैं दे आर नोन एज द एग्रेरियन सोसाइटी, ठीक है, एग्रेरियन है जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, जहाँ पे काश्तकारी की जाती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होता है। फिर नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि अब आप ये देखते हो कि आप एग्रीकल्चर के बाद जब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आई, ठीक है,
इंडस्ट्रियल सोसाइटीज स्टार्ट हुई. इंडस्ट्रियल सोसाइटीज क्या है, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई थी. इंडस्ट्री सोसाइटी कहते हैं कि ज्यादा जो इमर्ज हुई है वो किस वक्त इमर्ज हुई थी, जब इंसानों ने क्या किया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था. और वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह से आया था, जब 1782 ठीक है 1782 में जब इंसान ने भाप वाला इंजन ऐजाद किया, ठीक है, भाप से स्टीम, स्टीम इंजन, जब भाप से चलने वाला इंसान ने इंजन शुरू ऐजाद किया, इंजन बनाया, तो उस इंजन का क्या मतलब था कि उनकी जरूरियात अब बहुत आसानी से पूरी होंगी. उस इंजन की वजह से भाप से चलने वाली उन्होंने बहुत सारी मशीनरीज बना ली, उन्होंने फिर बहुत सारे ऐसी चीजें बना ली जिसकी वजह से वो फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई, इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई. लोगों ने अब अपने रूरल एरियाज को छोड़ के अर्बन एरियाज में आना शुरू हो गए, शहर बनना शुरू हो गए, शहरों में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई. अब जो एक काम, एक जैसे मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल ही दी है स्टीम इंजन की, ठीक है, जब स्टीम इंजन आया था तो एक स्टीम इंजन 12 घोड़ों की के मुकाबले में वो एक स्टीम इंजन काम करता था, ठीक है, कि 12 घोड़े इकट्ठे हों वो कोई काम कर रहे हो और उसके मुकाबले में एक स्टीम इंजन काम कर रहा है. तो उन्होंने क्या किया, जो एनिमल और ह्यूमन पावर थी, ठीक है, एनिमल एंड ह्यूमन पावर को रिप्लेस कर दिया. अब इन एनिमल्स और ह्यूमन की जगह पे किसने जगह ले ली, मशीन्स ने जगह ले ली, मशीनरीज ने जगह ले ली इंसानों की, कि अब इंसानों ने अपना काम आसान और जल्दी करने के लिए किन को इस्तेमाल करना शुरू किया, मशीनरीज को यूज करना शुरू कर दिया. अच्छा, उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू किया, एग्रीकल्चर मशीनरीज बनाई, जो पेपर और ग्लास था, कागज और शीशा, ठीक है, कागज और शीशा पहले सिर्फ अमीर लोगों तक महदूद था, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम the paper and glass was available to the poor person as well. ठीक है, जो एक पहले पेपर और जो ग्लास होता था वो बहुत एक्सपेंसिव होता था, वो इतने ज्यादा लोग उसको अचीव नहीं कर सकते थे, उनके पास एक्सेस नहीं थी. लेकिन चूंकि मशीनरी आ गई, मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया, कि उनकी एनर्जी की जो सोर्सेज है वो एडवांस होंगे. अब वो जो उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो मुख्तलिफ जराए से प्रोड्यूस करेंगे. यहाँ पे लोगों की जो तादाद थी, दैट वॉज द मिलियंस ऑफ पीपल थे, जो शहर थे, शहरों में आबादी बहुत ज्यादा थी. यहाँ पे अब क्या हुआ, नया तरीके के रिलीजन इमर्ज हुए, नए तरीके के सियासी निजाम आए, इक्तसादी निजाम शुरू हुए, एजुकेशन सिस्टम शुरू हुए, फैमिली सिस्टम शुरू हुए. अब जो इनइक्वालिटी थी वो और बढ़ गई, कैसे, कि जिसके पास अब मशीनरी ज्यादा है, जो इंडस्ट्रीज का मालिक है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज का मालिक है, जिसके पास स्पेशलाइजेशन ज्यादा है, वो क्या हो गया, वो ताकतवर हो गया, उसके पास पावर ज्यादा आ गई, उसके पास अथॉरिटी ज्यादा आ गई, ठीक है. और ये इनकी एग्जांपल क्या करने की, बहुत सारी सोसाइटी जो आजकल यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान में, तो ये क्या कर रही है, ये सोसाइटीज इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है. फिर क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब ये सोसाइटीज कब आई थी, 1750 से अब तक, ठीक है, 1750 से टाइम से लेके अब तक की जो सोसाइटीज हैं उनको इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में कहा जाता है. लेकिन अब क्या हुआ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि अब ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कंप्यूटर की एग्जांपल दे रहे हैं कि कंप्यूटर ने क्या किया, बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी को आसान बना लिया. इस कंप्यूटर ने अब क्या किया, इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी शुरू की. ये आजकल के दौर में पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज कहते हैं, इसमें भी मिलियंस ऑफ पीपल हैं, ज्यादातर आबादी कहाँ पे है, वो शहरों में महदूद है. ये भी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जैसी ही है, ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की तरह ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन का जोर ज्यादा है. अब अगर आप अभी की बात करते हो, तो अभी आप ये देखते हो कैसे रिपोर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, कैसे ऑनलाइन अब आपकी टीचिंग हो रही है, ऑनलाइन आप ट्रेड कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, पैसों का एक्सचेंज हो रहा है, ई सर्विसेज बहुत ज्यादा है, ई बुक्स हैं, ई ट्रेड है, ई मार्केटिंग है. तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को डिजिटल सोसाइटी भी कहा जाता है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी कहा जाता है. इन सोसाइटीज के अंदर ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो किसकी है, डिजिटल चीजों की, मीडिया की, कंप्यूटर्स की, लैपटॉप्स की, कितने सारी इस तरह की चीजें आ गई हैं, जो कि सॉफ्टवेयर किस तरह के आ गए हैं, और इंफॉर्मेशन की सोसाइटीज भी कहा जाता है, क्योंकि अब आजकल
जो ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है, इंफॉर्मेशन जिसके पास है वो फिर ज्यादा इस तरह से सक्सेसफुल माना जाता है या उसको इस तरह से ज्यादा वो डेवलप ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये शो कर रहे हैं हमें कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल आ गया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन का जोर आ गया है, यहाँ पे डिजिटल इंफॉर्मेशन, डिजिटल मीडिया, डिजिटल रिसोर्सेज का ज्यादा यूज हो गया है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया है टाइप्स ऑफ सोसाइटीज किस तरह से इमर्ज हुई हैं, कितनी थी, किस तरह से चेंज होती गई हैं। पहले फैमिली, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो आहिस्ता आहिस्ता वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ आया है। पहले अगर वो बहुत सारे खुदाओं, पहले वो रिलीजन को एक के ऊपर यकीन नहीं करते थे, आहिस्ता आहिस्ता सुपर नेचुरल पावर पे उन्होंने यकीन शुरू किया, उन्होंने फिर मल्टीपल गॉड्स पे शुरू यकीन शुरू किया, फिर एक खुदा पे यकीन किया। अब आप रिलीजन आप देखते हो कि अब आज की सोसाइटी में वही बात आती है कि कुछ लोग रिलीजन को मानते ही नहीं है। ठीक है, वो साइंस को ज्यादा उस तरह से इंपॉर्टेंस देके उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो और पॉपुलेशन कैसे बढ़ती जा रही थी, लोग शहर गाँव से कैसे रूरल एरियाज से कैसे अर्बन की तरफ आ रहे हैं, शिफ्ट हो रही है, टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर रही है और उनके दरमियान में रिलेशनशिप किस तरह से है। पहले रिलेशनशिप अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता था, लेकिन अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर इस डिजिटल इंफॉर्मेशन, डिजिटल मीडिया की वजह से अब वो अपने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा